रूस और यूक्रेन का युद्ध साल भर से भी ज्यादा समय से चल रहा है। पुतिन की सेना को इसमें भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना के पास हथियारों की कमी देखने को मिल रही है, या फिर कह सकते हैं कि पुतिन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसने कई लोगों को गुमराह किया। ये एक ऐसे नेता हैं जो अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए जाने जाते हैं। पुतिन इस वॉर में कई पुराने मिसाइल्स और बम्स का यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि उनके पास हथियारों की कमी हो गई है। अब एक और खबर आई है जिसमें रूस ने अपने 70 साल पुराने सोवियत जमाने के टैंक को युद्ध में तैनात कर दिया है। सुनने में आपको ये बेवकूफी भरा कदम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये असरदार हो सकता है। हाल ही में ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें कार्गो ट्रेन पर पुराने टैंक लदे हुए देखे जा सकते हैं। ये T-55 टैंक है जिसे रूस ने 1948 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमीशन किया था। रूस में अगर आज आप इन्हें देखना चाहें तो उसके लिए म्यूजियम में जाना पड़ेगा। लेकिन उसी तरह के टैंक्स अब रशिया यूक्रेन युद्ध के मैदान में तैनात कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतिहासकार जॉन डालने ने कहा है कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख टैंक में से एक था T-55। T-55 जैसे 100,000 से ज्यादा टैंक बनाए गए थे। ये सस्ते, विश्वसनीय, इस्तेमाल और मेंटेनेंस पे काफी आसान होते हैं। लेकिन बाद में पश्चिमी देशों के टैंकों से इनका मुकाबला नहीं रहा। उन्होंने कहा कि प्रथम खाड़ी युद्ध में 1991 में अमेरिकी और ब्रिटिश टैंक इराकी T-55S को 23 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर दिया करते थे। ये उस जमाने के टैंक्स थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि पुतिन ने ऐसा क्यों सोचा कि T-55 जैसे टैंक्स को इस समय यूक्रेन के युद्ध मैदान में तैनात करना एक अच्छा आइडिया है। दरअसल विशेषज्ञों का कहना है कि रूस लगातार T-90 टैंक जैसे कई टैंकों का निर्माण कर रहा है। इन टैंकों को बनाने में समय लग रहा है, जिस कारण रूस ने पुराने टैंक तैनात कर दिए हैं। यानी विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यूक्रेन के जवाबी हमलों का जवाब देने के लिए इनका इस्तेमाल स्टैटिक डिफेंसिव पोजिशन के लिए किया जाए तो ये बेहतर होगा। ये आधुनिक टैंक की अपेक्षा इस्तेमाल में आसान है। हालांकि हर बार रूस को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन रूस अपने पुराने टैंक्स को यूक्रेन के युद्ध मैदान में झोंक कर एक बड़ी चाल चलना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर एक फास्फोरस बम छोड़ा था जो कि बेहद असरदार निकला था, लेकिन अब उसी का काउंटर झेलने के लिए रूस ने अपने पुराने टैंक्स वहां पर तैनात कर दिए हैं, जिससे कि उसका ज्यादा फाइनेंशियल लॉस भी ना हो और नए आधुनिक मिसाइल बनाने के लिए रूस को काफी समय भी मिल जाए।